हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामॉल और मेरे पास है रेडमी ए टू प्लस। तो दोस्तों ये सेट को फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है आज वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपको किसी को सेट देना है ओके, तो आपको करना होगा इसको फैक्ट्री रीसेट। आप डाटा जो है आपका सब कुछ इरेज करने के लिए, मेल आईडी को रिमूव करने के लिए आपको इसको करना होगा फैक्ट्री रीसेट। तो फैक्ट्री रीसेट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जितना भी डाटा है फ़ोन में सब कुछ पहले आप उसको बैकअप ले लीजिए, और फ़ोन में भी मिनिमम आपका 50% चार्ज भी होना चाहिए ओके। ये सब काम करने के बाद चलना है आपको यहाँ पर सेटिंग में, और सबसे नीचे आना है, लिखा होगा आपका यहाँ पर सिस्टम। चलना है सिस्टम में, सिस्टम पर आने के बाद लिखा होगा आपको, देखिए नीचे लिखा हुआ है रीसेट ऑप्शन, क्लिक कर लीजिए रीसेट ऑप्शन में, और नीचे लिखा हुआ है फैक्ट्री ऑल डाटा, फैक्ट्री ऑल डाटा, फैक्ट्री रीसेट आ गया ना। आप इस पेज पर आ जाएंगे, देखिए योर गूगल अकाउंट सिस्टम आप डाउनलोड आप म्यूजिक फोटो अदर इधर सब कुछ आपका इरेज हो जाएगा डाटा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर करते हैं इरेज ऑल डाटा में क्लिक, फिर से इरेज ऑल डाटा। तो देखिए फ़ोन जो है आपका अभी ऑफ हो चुका है, फिर से फ़ोन ऑन होगा, तो आपको मिनिमम 3-4 मिनट वेट करना है पूरा फ़ोन ऑन होने तक। तो हम भी अभी वेट करेंगे पूरा फ़ोन ऑन होने तक, तो उसके बाद में मैं बताऊंगा क्या करना है आपको ओके। तो अभी हम यहाँ पर देखिए हो रहा है आपका इरेजिंग हो रहा है, अभी हम वेट करते हैं पूरा फ़ोन ऑन होने तक, 4-5 मिनट आपको वेट करना है। दोस्तों देखिए आपको ऐसे आ जाएगा 2-3 मिनट के बाद ऐसे सेटअप आ जाएगा करने के लिए हेलो लिखकर। तो जब आप सेट परचेज किए थे जो सेटअप किए थे सेम सेटअप आपको इसमें करना है। यहाँ पर स्टार्ट बटन दे के जैसे आप सेट नया जो परचेज किए जो सेटअप किए थे इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट ऐसे करके आपको यहाँ पर स्किप कर लीजिए। यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन आ गया उसको भी कर लीजिए, करके आप ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ओके। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।